बॉलीवुड लेजेंड किशोर कुमार के गाए गीत दशकों बाद भी लोगों के लिए उतने ही ताजे हैं जितने पहली बार सुनने पर थे। एक्टर सिंगर किशोर कुमार जितने टैलेंटेड थे उतने ही खुराफाती भी थे और इसी वजह से उन्हें अक्सर मैड जीनियस भी कहा जाता है। किशोर की खुराफातों के किस्से भी उनके गानों जितने ही मजेदार हैं। एक बार किशोर कुमार अपने भाई की पार्टी में ही परफॉर्म करने के लिए 25 पैसे प्रति गाना चार्ज किए थे। वही एक बार एक प्रोड्यूसर से अपने पैसे वसूलने के लिए आधा सिर मुंडवा लिए थे। किशोर कुमार के और भी बहुत से किस्से हैं जो लोगों को मुंह जबानी याद हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पास अपने दौर की एक महंगी और शानदार कार थी जो अब उन्हीं के बंगले के नीचे दफन है। इस किस्से का जिक्र किशोर के बेटे अमित कुमार ने एक शो में किया था। मुंबई के जुहू इलाके में किशोर कुमार का बंगला गौरी कुंज एक समय फिल्मी हलचल से खूब गुलजार रहा करता था। इस बंगले के बारे में कपिल ने अमित कुमार से सवाल करते हुए पूछा था, हमने सुना है आपके घर के नीचे कार दबी हुई है। अमित ने मुस्कुराते हुए बताया, बिल्कुल सही है, हमारा जो बंगला है किशोर साहब का बंगला, वो जब पहली बार हीरो बने तो पहले उन्होंने वो गाड़ी खरीदी थी। मेरी मम्मी और उन्होंने मिल के ग्रीन कलर की वो गाड़ी खरीदी थी। उस जमाने में 1949 में उन्होंने वो गाड़ी खरीदी थी, 1950 में उनकी शादी हुई थी। वो गाड़ी 10-12 साल तक थी, मैंने देखी है वो गाड़ी, 1959 तक देखी है, वो ग्रीन कलर की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है। ये पूछने पर कि वो गाड़ी धरती के नीचे कैसे पहुँची, अमित ने हंसते हुए बताया कि इसकी वजह उनके पेरेंट्स का अलग होना है। अमित ने कहा, मेरे पिताजी ऐसे ही थे, जिस दिन उनका डिवोर्स हुआ उन्होंने वो गाड़ी भी दफना दी। अमित की माँ रुमा गुहा ठाकुरता फिल्म मेकर सत्यजीत रे की भांजी थी। उन्होंने 1950 में किशोर कुमार से शादी की और 1952 में अमित को जन्म दिया। रुमा ने भी एक्टिंग में हाथ आजमाया था। उन्होंने दिलीप कुमार की डेब्यू फिल्म ज्वार भाटा में काम किया था। बाकी और भी ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करें बिल्कुल ना भूलें।